तो हम लोग एक आज एक एरे, वन डायमेंशनल एरे का एक प्रोग्राम बनाएंगे। स्क्रीन पर यहाँ पर आपको प्रोग्राम दिख रहा है, प्रोग्राम का नाम है राइट ए प्रोग्राम इन विजुअल बेसिक टू सर्च एन एलिमेंट इन वन डायमेंशनल एरे। एक वन डायमेंशनल एरे में हमको किसी एलिमेंट को सर्च करना है। नीचे यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको, एक एरे बना हुआ है, मान लो इसकी साइज 5 है और इसमें जो इस पूरे एरे का नाम जो है वो मैं कंप्लीट नाम, इस ग्रुप का नाम मैंने रखा ए, और ये इंडिविजुअल एलिमेंट का नाम होगा A0, A1, A3, A2, A3 और A4। इसमें कुछ एलिमेंट्स स्टोर कराए मैंने 26395। अगर यूजर एक नंबर देता है 3, तो क्या 3 इस लिस्ट में है कि नहीं है, ये हमें खोजना है। इसमें सर्च करना है कि ये नंबर इस लिस्ट में है कि नहीं है। तो देखा जाए तो इसमें जो इनपुट होगा वो एक नंबर होगा, एक नंबर हम इनपुट करेंगे और नंबर इनपुट करने के बाद आउटपुट में या तो फाउंड आएगा या तो नॉट फाउंड आएगा। क्लियर है? तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेके हम ले लीजिए, हम इसको आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो विजुअल बेसिक ओपन करते हैं हम लोग और इसका प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले विजुअल बेसिक मैंने ओपन कर लिया है। विजुअल बेसिक ओपन करने के बाद मैं इसका एक फॉर्म इस तरीके से बना लिया। फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। फॉन्ट मैं यहां पर बड़ा कर लिया हूं और मैंने यहां फॉन्ट बड़ा कर लिया। अब मैं यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा ताकि यूजर एक नंबर इनपुट कर सके, और यहां पर एक लेबल बना दिया ताकि उसको पता चले। ठीक है, तो लेबल पे हम लिखेंगे एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर, और टेक्स्ट बॉक्स को हम ब्लैंक कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर एक कमांड बटन बनाएंगे सर्च नाम से, क्योंकि हमको सर्च करना है। इस फॉर्म को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। फॉर्म डिजाइन हमारा रेडी है। अब मैं यहां पर इसको रन करता हूं, यहां पे लिखता हूं 3, तो यहां पे क्लिक करते ही आएगा फाउंड और नॉट फाउंड। अभी कोड नहीं हुआ है इसलिए आउटपुट नहीं दे रहा है। क्लियर है? तो हम इसका कोड करते हैं। कोड करने के लिए डिजाइन मोड में गए और सर्च बटन पे डबल क्लिक कर देंगे। कोड विंडो ओपन हो गई है। सबसे पहले हम एक एरे बनाते हैं यहां पर, डिम ए 5 एज इंटीजर, और उसमें वैल्यूज स्टोर करा देते हैं। A0 में क्या वैल्यू थी? 2। A1 में क्या थी? वैसे ही। अब इसको देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू थी। 26395, इसमें क्या क्या वैल्यू थी? 26395। तो A1 में क्या वैल्यू है? 6। A2 में है 3। A9 और इसमें है 5। ये हमारा रेडी हो गया है, ये हमारा एरे रेडी हो गया है। एरे की साइज है 5 और ये पांचों एलिमेंट को हमने स्टोर किया 26395। ये 6 लाइन का कोड रन होते ही मेमोरी में ऐसा एरे क्रिएट हो जाएगा, पूरे ग्रुप का नाम होगा ए, A0 में वैल्यू होगी 2, इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब हमें यूजर से ये नंबर मांगना है जिसको सर्च कराना है। तो मैं यहां पर एक और वेरिएबल ले लेता हूं, डिम एस एस इंटीजर, और एस की वैल्यू जो है वो मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 से ले लूंगा मैं, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू दी जाएगी, मान लो मैं यहां पर देता हूं 3, तो ये वैल्यू क्या होगी? सीधा एस में चले जाएगी। अब मुझे चेक करना है कि एस में जो वैल्यू है वो इस लिस्ट में है कि नहीं है। तो हम इसको सर्च कराने के लिए लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप आसानी से यूज करेंगे इसमें। लूप का इस्तेमाल करने के लिए हम यहां पर एक वेरिएबल ले लेते हैं आई। अब ये लूप किस तरीके से चलेगा? फॉर आई इक्वल टू 0 to 4। 0 to 4 क्यों चला? क्योंकि जो इसका इंडेक्स वैल्यू है वो 0 to 4 बढ़ रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, इसलिए ये 0 to 4 चला है। अब हम यहां पर चेक कराएंगे इफ ए आई इक्वल टू एस, यहां पर एक फ्लैग वेरिएबल भी बना लेते हैं जो चेक करेगा इंटीजर नहीं, ये बुलियन होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रहती है? फॉल्स रहती है। अगर ये एलिमेंट मिल गया तो इसमें ट्रू हो जाएगा,
और ये लूप चलते चलते पूरा लूप लास्ट तक खत्म हो गया और इसकी वैल्यू फॉल्स की फॉल्स रही, मतलब ये एलिमेंट हमें नहीं मिला है। अब नीचे हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, सॉरी फ्लैग इक्वल टू ट्रू देन मैसेज बॉक्स एलिमेंट फाउंड, और एल्स में क्या होगा, तो ये आपका कोड रेडी है। ठीक है, तो इस तरीके से है, मैं फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन पर आ जाए। ये आपका कोड है और ये एक ही स्क्रीन पर आ गया। अभी हम इसको रन कराते हैं, एक बार फिर से समझेंगे। मान लो मैं यहाँ पर एक नंबर दिया थ्री, थ्री इस लिस्ट में है क्या, यस है, तो आउटपुट क्या आएगा, एलिमेंट फाउंड। मैं चाहता हूँ आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैं 2 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट देता हूँ 33, और मैं इस लिस्ट में 33 नहीं है, इसलिए सर्च पे क्लिक करते ही यहाँ पे क्या आएगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। अब हम इसको देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है, एक बार और वर्किंग देख लेते हैं। इसकी वर्किंग को देखने के लिए मैं इसको आपको थोड़ा कुछ इस तरीके से समझा देता हूं। अब हम देखते हैं कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, यहां पर ये कोड दिख रहा है आपको। यहां पर हम देखेंगे कि एक वेरिएबल बना है, एरे वेरिएबल ए, वहां पर ये वैल्यूज स्टोर है 26395, और s एक वेरिएबल है, i एक वेरिएबल है। टेक्स्ट 1 में मैंने जो भी वैल्यू दी है वो वैल्यू जा रही है s में, यानी कि मैंने यहां पे 3 दिया है तो s में फिलहाल क्या आ गया होगा, 3, s में आ गया होगा 3। अब जो लूप है वो 0 से 4 चल रहा है ताकि ये सारे एलिमेंट्स को इंडेक्स वाइज एक्सेस कर सके। पहली बार जब लूप चलेगा तो इस आई की वैल्यू होगी 0, तो वो इससे कंपेयर करेगा। दूसरी बार लूप में आई की वैल्यू होगी 1, तो वो इससे कंपेयर करेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से वो सभी से कंपेयर करेगा। पहली बार जो लूप चलेगा तो एस में वैल्यू है 3, क्या 3 2 के बराबर है, नहीं, तो फ्लैग ट्रू नहीं होगा। अगला लूप चला जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या 3 6 के बराबर है, नहीं। अगला लूप चला जाएगा, क्या 3 3 के बराबर है, यस, फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फ्लैग की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, ट्रू। ट्रू होने के बाद जब लूप खत्म होगा तब चेक किया जाएगा कि फ्लैग की वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो मैसेज आएगा एलिमेंट फाउंड, और नहीं है तो मैसेज आएगा एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर कोई डाउट होगा तो मैं पूछता हूँ।